हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार सभी को। देखिए, आपके अपने चैनल सागर क्लासेस आरटीके में आपका स्वागत है। आज हम हरियाणा की जीके से संबंधित जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो है भाई हरियाणा की भौगोलिक संरचना। देखिए, जिस तरह से भारत की भौगोलिक संरचना है, भारत को मुख्य रूप से 5 भागों में बांटते हैं। हिमालय पर्वत, उत्तर भारत का मैदान, दक्षिण का पठार, तटीय क्षेत्र, द्वीपीय क्षेत्र, इसी तरह से हरियाणा की भी एक भौगोलिक संरचना है। और इसको मुख्य रूप से यदि हम चर्चा करें, डॉक्टर जसवीर सिंह ने इसको मुख्य रूप से 8 भागों में बांटा है। और उन्होंने इन चीज़ों की जो चर्चा की है वो की है एन एग्रीकल्चर जियोग्राफी ऑफ हरियाणा। एग्रीकल्चर जियोग्राफी ऑफ हरियाणा में उन्होंने हरियाणा को 8 भागों में बांटा है। और वैसे किताबों में 6 भाग भी भौगोलिक संरचना के आधार पर हरियाणा के 6 भाग भी दर्शाए गए हैं, लेकिन यहाँ पर इंडिविजुअल हम चर्चा करेंगे डॉक्टर जसवीर सिंह की, जिन्होंने अपनी पुस्तक जो है एन एग्रीकल्चर ज्योग्राफी ऑफ हरियाणा में जो है उन्होंने उनको 8 भागों में बांटा है। ये हर एक भाग स्टूडेंट्स किसी न किसी कारण से चर्चा में रहते हैं, किसी ने कोई टर्म्स होती हैं, इनमें विशेष टर्म्स होती हैं। जिस तरह से यहाँ मैंने जो दर्शाया है आपको, जो मैप बना करके, उसमें सभी भाग जो है वो दर्शाए गए हैं। इनमें डिटेल क्या है, इससे पहले एक बार मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ स्टूडेंट्स। देखिए, जो हरियाणा के उत्तर में है, हरियाणा के उत्तर में ये पंचकूला, कुछ एक भाग अम्बाला का, और ये यमुनानगर। पंचकूला, अम्बाला और यमुनानगर, इस जो भाग को जो है स्टूडेंट्स बोलते हैं हम शिवालिक भाग। हरियाणा का कौन सा भाग? शिवालिक भाग। और शिवालिक जो है स्टूडेंट्स, हिमालय की निम्न श्रेणी है और उनकी शाखाएं हरियाणा में पहुंची हुई हैं। तो किन जिलों में है शिवालिक? पंचकूला, अंबाला और यमुनानगर। ये भाग जो है पहाड़ी क्षेत्र हैं, उबड़ खाबड़ हैं, समतल नहीं है, और इन्हीं भागों से नदियाँ निकलती हैं। प्रमुख रूप से जो यदि मैं नदियों की चर्चा करूं तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे प्रमुख रूप से नदियाँ घग्गर है, टांगरी है, मारकंडा है, सरस्वती है, ये नदियाँ इन्हीं क्षेत्रों से निकलती हैं। तो ये जो डॉट डॉट में दर्शाया है ये है आपका शिवालिक। उसके बाद में जो जमा का निशान नीचे दर्शा रखा है स्टूडेंट्स, ये गिरिपाद हैं। और उसके बाद में आपके जो ये स्टेट ऐसे दर्शाए गए हैं, ये स्टेट, ये स्टूडेंट्स जलोढ़ मैदान है। और उसके बाद में जो है आपका जलोढ़ मैदान है, और उसके बाद में जो आपका बाढ़ का मैदान, ये जो गोलाकृति में दर्शाए गए हैं, यहाँ पर ये आपका यहाँ पर नदियों के किनारे किनारे, और यहाँ पर पश्चिम में जो नदी है आपकी यमुना नदी है, जो यहाँ इसके किनारे किनारे हरियाणा के पूर्व में जो यमुना नदी उत्तर प्रदेश के साथ में सीमा बनाती है, इसके किनारे किनारे जो हम कौन से मैदान हैं, ये आपके बाढ़ के मैदान हैं। कुछ एक बालू के टीले भी हैं, ये नंबर 5 के ऊपर यहाँ पर बालू के टीले हैं, जो हरियाणा के पश्चिम में जो राजस्थान का क्षेत्र लगता है, राजस्थान का जो क्षेत्र लगता है उस क्षेत्र में आप यहाँ से हिसार, भिवानी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, इनसे लगता हुआ जो ये क्षेत्र है, यहाँ पर बालू के टीले हैं। फिर अरावली पर्वत, हरियाणा के दक्षिणी भाग में स्टूडेंट्स अरावली पर्वत हैं, और उत्तरी भाग में शिवालिक पर्वत हैं। उत्तरी भाग में शिवालिक और दक्षिण में अरावली। ये जो अरावली पर्वत हैं स्टूडेंट्स, ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा हैं। तो यहाँ अरावली पर्वत आपका ये महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, नू, गुरुग्राम, इन क्षेत्रों में अरावली पर्वतों की भी श्रृंखलाएँ हैं। इसके बाद में देखिए, जो यहाँ पर तरंगित जो क्षेत्र हैं, तरंगित क्षेत्र स्टूडेंट्स अरावली पर्वत के, अरावली पर्वत और बालू के टीलों के बीच में तरंगित क्षेत्र स्थित हैं। एक अनकाई दलदल, अनकाई दलदल जो है वो सिरसा ज़िले के दक्षिण भाग में स्थित है, अनकाई दलदल। तो ये इस तरह से लोकेशन है। सबसे ज़्यादा आप देख रहे हो कि जो आपके समतल मैदान है, जलोढ़ मैदान है, समतल, ये मैदान ही हरियाणा में ज़्यादा हैं। और जो शेष अलग अलग भौगोलिक जो विभाजन किया गया है वो थोड़ा थोड़ा है। तो अब देखें भाई, सिस्टमेटिक ढंग से हम पहला भाग करते हैं। आपको मैप में दर्शाया गया है, मैप में आप समझ गए होंगे कि भी कौन सा भाग क्या है। तो देखिए, शिवालिक जो भाग है स्टूडेंट, शिवालिक भाग वो रेड मार्क कर दो। देखिए भाई, सॉरी, ये जो शिवालिक जो भाग है स्टूडेंट्स, इसकी चर्चा करें तो इनकी ऊंचाई जो है आपकी 900 से 2300 मीटर तक है। शिवालिक भाग की हरियाणा में ऊंचाई 900 से 2300 मीटर तक है, और यहाँ से घग्गर, टांगरी, मारकंडा और सरस्वती नदियाँ निकलती हैं।
इन्हीं क्षेत्रों से निकलती हैं। दूसरी चीज़, इस शिवालिक भाग में ही स्टूडेंट्स हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी है, हरियाणा की ऊंची चोटी है करोह है। कई बार पेपर में पूछा गया है कि हरियाणा में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो हम कहेंगे स्टूडेंट्स करोह, मोरनी हिल्स जो हैं वहाँ पे करोह ऊंची चोटी है और 15-14 मीटर उसकी ऊंचाई है। हरियाणा में करोह की ऊंचाई बिल्कुल देखिए आसान है याद करने में, 15-14 मीटर, 1514 मीटर उसकी ऊंचाई है, तो याद हो जाएगा। दूसरा, यहाँ पर स्टूडेंट्स सीमेंट बनाने के लिए चूना पत्थर भी पर्याप्त मात्रा में मिलता है। इस भाग में सीमेंट बनाने के लिए चूना पत्थर भी पर्याप्त मात्रा में मिलता है और ये भाग जो है आपका शिवालिक श्रेणी, ये उत्तर में स्थित है पंचकुला अंबाला और यमुनानगर में। दूसरा देखो गिरिपाद, नाम से ही क्लियर हो रहा है, गिरी का अर्थ स्टूडेंट्स पर्वत होता है, पाद मीन्स पैर होते हैं, यहाँ पर यानी कि पर्वत के निमन श्रेणी। तो यहाँ पे आ जाओ, जो जमा का निशान है पंचकुला अंबाला और यमुनानगर में के नीचे, इनके आपका जो है ये शिवालिक के दक्षिण में, ये जो है स्टूडेंट्स आपके गिरिपाद हैं और इनकी जो लेंथ है ये 25 किलोमीटर चौड़ी एक पट्टी है, 25 किलोमीटर चौड़ी पट्टी है और यहाँ पर ऊंचाई एकदम कम हो जाती है, लगभग 300 से 375 मीटर इनकी ऊंचाई है। यहाँ पर देखिए दो चीज़ें हैं, टर्म्स हैं स्टूडेंट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। क्या कहता है, जो पर्वतीय मैदानों को स्थानीय भाषा में जो पर्वत हैं, यहाँ पर आते आते जो है वो ऊंचाई कम हो जाती है तो कहीं कहीं पर्वतों के मैदान से बन जाते हैं, तो जो पर्वतीय मैदान है स्टूडेंट्स इनको घर कहा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। दूसरी चीज़, इनमें स्थित जो गड्ढे होते हैं उनको चो कहा जाता है, ये इस तरह की टर्म्स HSSC पूछ लेती है कि चो किसे कहते हैं, तो क्या हम कहेंगे चो स्टूडेंट्स गिरिपाद मैदानों में जो गड्ढे बनाते हैं, नाले जो हैं संकीर्ण जो नालियां हैं जो गड्ढे बनाते हैं उनको चो बोलते हैं, और जो पहाड़ी मैदान है उनको क्या बोलते हैं, घर बोलते हैं। बिल्कुल देखिए आसान है, थोड़ा सा एक दो बार आप इसको देखोगे तो याद हो जाएगा। देखिए अभी क्या कहता है, इसमें स्थानीय गड्ढों को चो कहते हैं और यहीं पर जलोढ़ पंखों का निर्माण भी होता है। नेक्स्ट देखिए जलोढ़ मैदान, अब यहाँ पर स्टूडेंट्स जलोढ़ मैदान की मैं चर्चा करूँ तो देखिए जो आपके गिरिपाद मैदान थे इनके दक्षिण में, गिरिपाद मैदानों के दक्षिण में ये जो लाइनें खींची गई हैं ये जलोढ़ मैदानों की लाइन है। यहाँ पर कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, फतेहाबाद, सिरसा, हिसार, जींद, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, कुछ एक भाग दादरी का, झज्जर, गुरुग्राम, ये कुछ एक भाग मैक्सिमम जो है स्टूडेंट्स हरियाणा का भाग जलोढ़ मैदानों में ही के अंतर्गत ही आता है। तो यहाँ पर देखिए इन्हें क्या बोलते हैं, इन्हें बांगर बोला जाता है। दूसरा इनकी ऊंचाई क्या है, इनकी ऊंचाई स्टूडेंट्स 220 से 280 मीटर के मध्य होती है और ये जो ढाल है स्टूडेंट्स ये ध्यान से देखिए उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ ये ढाल है, उत्तर पूर्व से यानी कि उत्तर और पूर्व से, उत्तर और पूर्व से पश्चिम और दक्षिण की तरफ ये ऐसे ढाल हैं, ऐसे जो है हरियाणा के ढाल हैं तो इनकी तरफ आते हैं। नेक्स्ट देखें भाई बाढ़ का मैदान, अब बाढ़ का मैदान स्टूडेंट्स जो भौगोलिक विभाजन है उसमें नंबर 4 पर हम बाढ़ के मैदान की चर्चा करते हैं। बाढ़ के मैदान देखिए यहाँ पर तो आपकी यमुना नदी जो उत्तर प्रदेश के साथ में ये यमुना नदी सीमा बनाती है, तो यमुना नदी के साथ साथ में यमुना नदी के पश्चिम में इसके साथ साथ में जो है यहाँ पर समतल होने के कारण से आगे पानी को जाने के लिए जगह नहीं बनती है और एक बाढ़ का मैदान जो है वो तैयार होता है। कहीं कहीं इनमें दलदली भूमि का भी जो है दलदली भूमि भी यहाँ पर बनती है। अब इन बाढ़ के मैदानों को विशेष ट्रम्स आ गई, जिस तरह से घर और चौआया था इसी तरह से विशेष ट्रम आ गई, इनको फरीदाबाद में स्टूडेंट्स बेट बोला जाता है और इनको इसमें सिरसा जिले में इनको नाली बोला जाता है, सिरसा जिले में क्या कहा जाता है, नाली कहा जाता है और इन बाढ़ के मैदानों को फरीदाबाद में क्या कहा जाता है, बेट कहा जाता है। देखिए हरियाणा के पूर्व में, हरियाणा के पूर्व में यमुना नदी के साथ साथ बाढ़ के मैदान हैं, यहाँ दलदल होता है, दलदली भूमि यहाँ पाई जाती है और जिनको क्या बोलते हैं, बेल्ट नाम दिया जाता है। और पश्चिम में घग्गर नदी के किनारे इस तरह के जो क्षेत्र हैं उनको नाली कहा जाता है।
पांचवा नंबर देखिए, हम बालू के टीलों की चर्चा करते हैं तो यहाँ पर स्टूडेंट्स जो राजस्थान स्टेट है, इस साइड पता है आपको, हरियाणा के साथ जिले राजस्थान के साथ में सीमा बनाते हैं और सबसे ज़्यादा सीमा रेखा भी हरियाणा के राजस्थान के साथ में लगती है, सबसे कम सीमा जो है उत्तराखंड के साथ में लगती है, लगभग 1262 किलोमीटर सीमा, सबसे लंबी हरियाणा की सीमा राजस्थान स्टेट के साथ में ही लगती है। देखिए बिल्कुल आसान है, राजस्थान के साथ में जो सीमा लगती है स्टूडेंट्स, उनमें जो मैंने ये ब्लैक कलर से जो बिल्कुल स्टेट में ऐसे ये दर्शाया है, ये आपका यहाँ पर कुछ एक भाग जो है सिरसा का रहेगा, फतेहाबाद का रहेगा, कुछ एक भाग हिसार का रहेगा, फिर भिवानी का रहेगा, चरखी दादरी का रहेगा, कुछ एक पोर्शन जो है ये स्टूडेंट्स आपका क्या है, ये बालू के टीले हैं। यहाँ पर जो है जो राजस्थान से लगता हुआ क्षेत्र है वहाँ पर बालू के टीले पाए जाते हैं। यहाँ पर जो है कंकरीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं और कांटेदार वृक्ष पाए जाते हैं, महीन पत्तों के वृक्ष इस क्षेत्र में पाए जाते हैं। अब देखिए राजस्थान की सीमा के साथ साथ यह भाग फैला हुआ है, क्लियर हो गया। यहाँ बालू के टीले हैं, टीलों की ऊंचाई लगभग 3 से 15 मीटर है, कहीं कहीं पर 15 मीटर है, नहीं तो एवरेज 3 से 5 मीटर ही बालू के टीलों की ऊंचाई होती है। इनमें निमन सतल जो हैं स्टूडेंट्स, जो बालू के टीले हैं इन क्षेत्रों में जो निमन सतल हैं उनको ताल कहा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स आ गए भी, इनको क्या बोलते हैं, ताल कहा जाता है। और छछली जो झीले हैं स्टूडेंट्स उनको बावड़ी कहा जाता है, छछली झीलों को क्या बोला जाता है, बावड़ी बोला जाता है। नेक्स्ट देखें अरावली प्रदेश, जो अरावली की पहाड़ियां हैं स्टूडेंट्स भारत में राजस्थान से लेकर के स्टूडेंट्स दिल्ली तक फैली हुई हैं, तो उनकी कुछ एक श्रृंखलाएं जो हैं यहाँ पर आपका महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, नूह, गुड़गांव, यहाँ पर उनकी श्रृंखलाएं आई हुई हैं और उन्हीं को क्या बोलते हैं, अरावली प्रदेश बोलते हैं। इन्हीं जिलों में जहाँ ये श्रृंखलाएँ फैली हुई हैं उनको क्या बोलते हैं, अरावली प्रदेश बोला जाता है। यहाँ पर हरियाणा में देखिए, वैसे तो अरावली पर्वत की ऊँची चोटी कौन सी है, गुरु शिखर है। गुरु शिखर है कहाँ पे है, माउंट आबू में है, 1722 मीटर उसकी ऊंचाई है, अरावली पर्वतों की ऊंची चोटी, ये विश्व का प्राचीन पर्वत है स्टूडेंट्स। लेकिन अरावली पर्वत का वो भाग जो भारत में है, जो हरियाणा में है, अरावली पर्वत का वो भाग जो हरियाणा में है, हरियाणा में स्टूडेंट्स अरावली पर्वत का वो भाग, यहाँ पर महेंद्रगढ़ में एक गाँव है कुलताजपुर, कुलताजपुर, यहाँ पर स्टूडेंट्स डोसी की पहाड़ी जो है, डोसी की पहाड़ी ये ऊंची चोटी है, डोसी की पहाड़ी जो है इनकी ऊंची चोटी है। तो इस तरह से औसत ऊंचाई इसकी 225 से 500 मीटर तक है और अरावली की पहाड़ियों की यह श्रृंखलाएं हैं। तो इस तरह से प्रमुख जो है 6 भाग आपके कंप्लीट होते हैं। एक अभी तरंगित मैदान, तरंगित क्षेत्र, यहाँ पर देखिए भाई जो अरावली प्रदेश है उसके और जो बालू के टीले हैं उसके, ये बालू के टीले और अरावली प्रदेश के जो बीच का क्षेत्र है स्टूडेंट, संकीर्ण क्षेत्र है, उसको बोलते हैं तरंगित क्षेत्र, तरंगित क्षेत्र। यहाँ बालू के टीलों के तरंग टाइप में संकीर्ण जो है कहीं कहीं क्षेत्र पाए जाते हैं। और आठवां है अनकाई दलदल, अनकाई दलदल यह सिरसा के दक्षिण भाग में है स्टूडेंट्स, अनकाई दलदल ये देखिए मैप में, ये आपका सिरसा है और सिरसा के दक्षिण में ये वाला जो क्षेत्र है ये अनकाई दलदल के नाम से जाना जाता है, 8 नंबर ये अनकाई दलदल के नाम से जाना जाता है। तो ये था स्टूडेंट्स आपका हरियाणा की भौगोलिक संरचना। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, डॉक्टर जसवीर सिंह ने भौगोलिक आधार पर 8 भागों में इसका वर्णन किया है। इनकी एक बुक है एग्रीकल्चर ज्योग्राफी ऑफ हरियाणा, उसमें स्टूडेंट्स इनका वर्णन मिलता है। और ये 8 भाग कौन कौन से हैं, पहला है शिवालिक ऊंचाई 900 से 2300 मीटर, दूसरा गिरिपाद मैदान ऊंचाई 300 से 375 मीटर, यहाँ पर घर और चो पाए जाते हैं, जलोढ़ पंख पाए जाते हैं, और सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में फैला है जलोढ़ मैदान, इसको बांगर भी कहा जाता है, ऊंचाई 220 से 280 मीटर इनकी होती है। और इनका ढाल जो है उत्तर दक्षिण से पश्चिम, उत्तर पूर्व से दक्षिण और पश्चिम की तरफ है, ऐसे है, उत्तर पूर्व से पश्चिम और दक्षिण की तरफ इनका ढाल है। दूसरी चीज़ देखें यहाँ, ये भाग 3 हो गए हैं। चौथा भाग बाढ़ के मैदान है, बाढ़ के मैदान स्टूडेंट्स यहाँ आपके टांगरी घग्गर नदी के साथ साथ में और यहाँ यमुना नदी के साथ साथ में बाढ़ के मैदान हैं। और इसके बाद में बालू के टीले, जो जलोढ़ मैदान थे उनके दक्षिण में बालू के टीले हैं, हम उत्तर से दक्षिण की तरफ करते आ रहे हैं, तो जलोढ़ मैदान के दक्षिण में बालू के टीले हैं राजस्थान के साथ में सीमा बनाते हुए। और जो है यहाँ पर अरावली पर्वत, इनकी ऊंची चोटी कौन सी है, डोसी की पहाड़ी जो है इनकी ऊंची चोटी कहलाती है। और वैसे अरावली पर्वत की ऊंची चोटी जो है स्टूडेंट्स गुरु शिखर है, 1722 मीटर ऊंचाई, लेकिन हरियाणा में अरावली पर्वत की ऊंची जगह जो है महेंद्रगढ़ में डोसी की पहाड़ियाँ हैं।
नेक्स्ट देखें यहाँ पे भाई आपका 225 से 500 मीटर अरावली पर्वत जो हरियाणा में है उसकी औसत ऊंचाई है। तरंगित मैदान मैंने बता दिया, यहाँ पर अरावली पर्वत और बालू के टीलों के बीच में जो क्षेत्र है वो तरंगित मैदान है, और सिरसा का दक्षिण भाग जो हो अनकाई दलदल है। तो एक ये तरह से रिपीट होता है स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक बार देखिए जैसे कि टर्म्स कौन कौन सी आई। एक तो ऊंची चोटी कर हो की ऊंचाई पूछ सकता है, कहाँ है ये पूछ सकता है। दूसरी चीज़ ये स्टूडेंट्स मोरनी हिल्स में है पंचकुला जिले में। एक यहाँ पर ये गिरिपाद पूछ सकता है, घर और चौ पूछ सकता है, जलोड बंक पूछ सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर बांगर प्रदेश कौन से हैं हरियाणा में, इनका ढाल किस तरफ है, ये चीज़ें आ सकती हैं। एक भाई आपका जो है बेल्ट क्या होता है, या फिर नाली क्या होता है, या फिर ताल क्या होता है, बावड़ी क्या होता है, अनकाई दलदल क्या होता है। तो इस तरह से इनमें से टर्म्स बना करके ये पूछा जाता है। तो ये मैप से दर्शा करके हर एक चीज़ बताई गई है, और उम्मीद है कि स्टूडेंट्स आपको लेक्चर पसंद आया होगा। पसंद आ रहा है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने आस पास फ्रेंड सर्कल में मित्रों को बताइए, और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इसको फैलाने का प्रयास कीजिए। किसी भी प्रकार की कोई भी गलती हो तो कॉमेंट्स के माध्यम से बताइएगा स्टूडेंट्स। धन्यवाद, अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय हरियाणा।